Hello everyone, good morning, welcome back again to our channel Sunil Kumar KTV Stylist. I am Sunil और आज है हमारा न्यू सीरीज का लेसन 5 और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट जो है हेयर स्टाइलिंग के लिए आपके पास में होने चाहिए। अभी तक जो हमारे 4 लेसन निकले हैं न्यू सीरीज के, उन पे हमने देखा, पहले दिन हमने बात करी थी प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में, हेयर को कैसे प्रिपेयर करना है। सेकेंड डे था ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट का पार्ट 1 एंड देन थर्ड उसके बाद में आया था पार्ट 2। ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में हमने देखे हेयर स्प्रे की नॉलेज ली, उसमें कौन से फ्लेक्सिबल है कौन से नॉन फ्लेक्सिबल है। एंड लास्ट जो हमारा लेसन 4 था उसमें हमने देखे कुछ अदर प्रोडक्ट, जैसे कि आपके हेयर बिल्डर फाइबर था एंड आपके मैजिक स्प्रे थे, आपके वैक्स स्प्रे थे एंड सम अदर प्रोडक्ट ऑल्सो सो एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट। फिनिशिंग प्रोडक्ट का अगर आप लोगों को कोई डाउट है, देखो जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे है जो हम एंड ऑफ द टाइम आप कर रहे हो, जो भी स्टाइलिंग आपने बनाया है उस हेयर स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए, तो आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे उस पर करना है। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे हो सकता है, 7-8 लेवल का, 6 अबव का, जो 6 होल्डिंग पावर 6 नंबर भी आप अप्लाई कर सकते हो, 6 नंबर का भी अगर उसका होल्ड पावर है। एंड लिक्विड स्प्रे ज़्यादा बेटर रहते हैं आपकी फिक्सिंग पर्पज़ के लिए। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको पास में जो इन सारे प्रोडक्ट में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमें ये सारे प्रोडक्ट बाय करने हैं, नहीं नहीं सारे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, बट स्टार्टिंग में ही नहीं, धीरे धीरे करके आप इनको यूज़ करोगे, बट स्टार्टिंग में ही आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए आज हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो आपके रेगुलर रूटीन में हर बार यूज़ होते हैं, मीन्स जो क्लाइंट ज़्यादा डिमांड करता है एंड जो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट आपके ज़्यादातर यूज़ पे होने वाली, जिनकी रिपीटेशन होती रहती है आपके हेयर स्टाइलिंग में। सो उनमें से है सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा सीरम। सीरम के लिए हमने बात करी थी कि सीरम क्या करता है आपके बालों में, एक तो शाइनिंग का काम करता है, सीरम विल गिव यू शाइन एंड फ्रिज कंट्रोल ऑल्सो। सो उसमें हमने बात करी थी, हमने ये दिखाया था आपको लॉरियल का, टेक्नी आर्ट का। एंड जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो पिछले जो लेसन 4 है जो हमारी न्यू सीरीज के हैं वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके भी, नहीं तो मैं सभी सीरीज के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ढूंढना ईजी रहेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है सीरम जो आपके पास में होना ही होना चाहिए, जैसे कि ये कई बार काम आएगा आपके, जैसे कि सपोज़ अगर आप कुछ नॉर्मल ओपन स्टाइलिंग आप प्ले कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं ब्लो ड्राई लुक मांगते हैं, बट उस ब्लो ड्राई में अगर क्लाइंट के हेयर डल है, शाइनिंग नहीं है एंड थोड़े से कर्ल्स, कभी कभी हम टाइट कर्ल्स बना लेते हैं एंड क्लाइंट को इमिडिएटली उनको थोड़ा सॉफ्ट करना है, तब सीरम उस टाइम पर भी काम आता है थोड़ा सॉफ्टर रिजल्ट के लिए, शाइनिंग रिजल्ट के लिए, फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए, जो उड़े उड़े बाल होते हैं ना, स्टैटिक हेयर जिन्हें हम कहते हैं ब्लो ड्राई के बाद में उड़ जाते हैं, तो उनको बिठाने के लिए भी सीरम काफ़ी यूज़फुल होता है। ज़्यादा भी नहीं लगाना, बहुत कम क्वांटिटी में लगाना होता है, वन पंप इनफ होता है, उसको अच्छे से इमल्सिफिकेशन करना है एंड देन यू विल अप्लाई, ठीक है। तो सीरम आपके पास में मस्ट है कि होना चाहिए। एंड सेकेंड है हमारे पास में हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, ये बहुत ज़रूरी है। देखो हम जो भी स्टाइलिंग बनाते हैं आपको हेयर को प्रोटेक्ट भी करना है एंड क्लाइंट के ऊपर अगर कंटिन्यू उसके फंक्शन चल रहे हैं, आप मशीन भी करते हो, कभी कभी आयरनिंग कर्ल्स भी कर रहे हो, ब्लू ड्राई भी कर रहे हो, तो हेयर काफ़ी टॉर्चर होता है। सो मस्ट है आपके पास में एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे होना चाहिए। हमने आप लोगों को 2 हीट प्रोटेक्शन स्प्रे दिखाए थे, पहला लॉरियल का, ये कई नेम से आता है, हीट इट, हॉट इट, हॉट एंड प्रोटेक्ट के नाम से भी आता है, ये देख सकते हैं आप। एंड सेकेंड है ये वाला वेला का थर्मल इमेज करके आता है दिस वन। सो ये दोनों हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आप लोगों को दिखाए थे। सो हीट प्रोटेक्शन होने आपके पास में मस्ट है, कोई ना कोई एक होना चाहिए, कोई सा भी आप बाय कर सकते हो। एंड थर्ड है हमारा हीट प्रोटेक्शन का काम क्या है, ये आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है हीट इंस्ट्रूमेंट से, जो भी हम ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टोंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो हेयर की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हम इस हीट प्रोटेक्शन हेयर स्प्रे का यूज़ करते हैं ऑन वेट हेयर पे, गीले बालों पे, ठीक है। जैसे वॉश किया, टॉवल ड्राई, उसके बाद में आपने इसको एज अ स्प्रे यूज़ करना है, देन उसके बाद ब्लो ड्राई करना है, तो आपका बाल क्या रहेगा, सेफ रहेगा और सॉफ्ट एंड स्मूथ फील रहेगा आपके लिए, ठीक है। देन थर्ड है हमारा मूज। अब मूज का क्या काम है, बेसिकली मूज हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए,
एंड लॉन्ग लास्ट रिजल्ट के लिए। अब जैसे चाहे आप ब्लो ड्राई कर रहे हो, चाहे आप कर्ल्स बना रहे हो, अब जैसे किसी क्लाइंट्स को ओपन ब्लो ड्राई लुक चाहिए फुली विथ वॉल्यूम के साथ में, तो आप वेलक्रो रोलर सेटिंग भी कर सकते हो एंड ब्लो ड्राई कर सकते हो विद द राउंड ब्रश। बट उससे पहले पहले अगर आप गीले बालों पे मूव्स अप्लीकेशन कर लोगे तो आपके बालों में बाउंस ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आपका ब्लो ड्राई थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी चलेगा। मूव्स हमने बताया था आप लोगों का, वो ये वाला ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, नोवा का भी बताया था, नोवा का और एक और वर्जन भी आता है नोवा का, उसका भी लिंक हमने पिछले वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन मार्केट से भी आप बाय कर सकते हैं। सो मूव्स करता है, मूव्स बेसिकली आपको वॉल्यूम देता है एंड जो भी आप स्टाइलिंग बनाते हैं, चाहे वो ब्लो ड्राई हो चाहे आपके कर्ल्स बनाए हो, उनको थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड प्रोडक्ट मूव्स एंड फोर्थ नंबर है हमारा एंटी फ्रिज प्रोडक्ट। अब ये एंटी फ्रिज प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, एंटी फ्रिज प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं फ्रिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब किसी किसी के हेयर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, तो आप ब्लो ड्राई करते हो तो अच्छे से नहीं होता है। सो आप अगर एंटी फ्रिज प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये बताया था वला का फ्लोइंग फॉर्म ये वाला प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस वन। ये आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत कम क्वांटिटी में ये यूज़ होता है, और अदर अदर ब्रांड के भी आते हैं, जैसे कि आपका स्कॉस्कॉफ का भी आता है, आपकी स्कॉस्कॉफ की ओसी सीरीज में आता है, टीजी के प्रोडक्ट भी आते हैं जो कि एंटी फ्रिज प्रोडक्ट हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। बट कोई एक अच्छा सा आपके पास में एंटी फ्रिज प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तो वो आपकी ब्लो ड्राई को काफ़ी स्मूथ करेगा, जो फ्लाई फ्रिजी छोटे छोटे बाल होते हैं उनको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो ये आपका पास में होना चाहिए, आपकी हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग लाने में काफ़ी मदद ये आपकी करता है। फिफ्थ नंबर है हमारे पास होल्ड स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे, जिसे आप कहते हैं फिक्स करने के लिए, फिक्सिंग स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे, ग्रिप स्प्रे, जो भी कहते हैं आप, इसका काम है आपकी हेयर स्टाइलिंग को फिक्स करना। अगर हम कोई पैटर्न बना रहे हैं, पफ बना रहे हैं, बैक कॉम कर रहे हैं, तो आप उसके करते हो ना, बहुत सारे बताए थे फिक्सिंग स्प्रे, फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिंग, ये सब आपके होल्ड स्प्रे हैं। होल्ड जिसका जितना ज़्यादा नंबर उसकी उतनी ज़्यादा ग्रिप। ठीक है, इसमें मैंने मेंशन किया 5 नंबर का कम से कम उसका होल्डिंग फैक्टर हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो फिक्सिंग पर्पज़ के लिए। एंड 2 स्प्रे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बाकी हर स्प्रे की क्वालिटी थोड़ी अलग है, आप लोगों ने सारे स्प्रे यूज़ करने हैं एक साथ नहीं, जैसे एक लिया उसको यूज़ किया ख़त्म हो गया फिर दूसरा ले लो, ये ख़त्म हुआ फिर तीसरा ले लो, ऐसे में आपको क्या होगा, आपको स्प्रे की नॉलेज भी होगी, फील ऑफ क्वालिटी भी पता लगेगा एंड प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, किसमें क्या बात है, तो वो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना कंफर्ट जोन, अपनी स्टाइलिंग में जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट आप उससे आप चूज़ कर सकते हो, आपको पता रहेगा, नॉलेज भी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ करें, एक टाफ्ट है ये, वैसे अच्छा स्प्रे है, डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस वन, बट और भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड ये लॉरियल का सिल्विक करके आता है, इसका भी हमने ऑनलाइन में आपको बताया, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट से आप ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू, अगर आपको इजीली मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन तो सभी जगह मिल जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा होल्ड स्प्रे। होल्ड स्प्रे काम करता है किसी भी हेयर स्टाइलिंग को जब आप बनाते हो उसको फिक्स करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, उस पैटर्न को जैसे आपने लाइंस बना दी तो उसको बस स्टॉप करना है, आपने फिक्स करना है उसके लिए कि बस यहीं रुक जा भाई, बस बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये होल्डिंग के लिए था हमारा होल्ड स्प्रे, 5 नंबर का होल्ड पावर, कम से कम आप माइंडसेट करके रखें कि 4 या 5 नंबर के लेवल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, 6, 7, 8 थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं वो स्टाइलिंग के बाद आप कर सकते हो, या डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वेरिएशन बना रहे, क्योंकि अभी बहुत सारे वेरिएशन हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी पैटर्न्स हैं, तो उनमें बनाने के लिए इन सभी अलग अलग हेयर स्प्रे का यूज़ होता है, वो जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट पे। सपोज़ कभी आपको, कभी कभी होता ना स्टाइलिंग में काफ़ी थोड़ा आप कहते हैं कि डिफ़िकल्ट है स्टाइलिंग है, या उसमें स्प्रेडिंग भी है और उसमें सेक्शन भी काफ़ी पतला है, बट आपको एक बार स्प्रे मारना है और फिक्स हो जाए बस, तो कुछ उस टाइप के स्प्रे मीन्स क्विक फिक्सिंग स्प्रे, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे ही होते हैं, तो आप फ्रंट में उसके कर रहे हो, जब आप पफ बना रहे हो तब उसकी नीड नहीं है, तब आप नोवा गोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आपने हेयर स्प्रे का यूज़ करना है, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, देन 6 नंबर है हमारा शाइन स्प्रे।
शाइन स्प्रे विल गिव यू शाइन एंड लिटिल फ्रिज कंट्रोल ऑल्सो. सो शाइन स्प्रे का हम यूज़ करते हैं बेसिकली बालों में शाइनिंग के लिए. ओसिस प्लस वन स्कॉस्कॉफ का ये ब्रांड है, बहुत अच्छा स्प्रे है. डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू ऑल, ये बहुत अच्छा है, आपकी हेयर स्टाइलिंग में अलग सी शाइनिंग लेके आएगा, ठीक है. एंड फ्रिज भी कंट्रोल करेगा एंड थोड़ा सा होल्ड पावर भी आपको मिलता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल होल्ड, ठीक है. नेचुरल होल्ड मीन्स ये नहीं कि बाल चिपक जाएगा, बट इनविजिबल होल्ड या नेचुरल होल्ड विद द शाइन आपको मिलता है. थोड़ी सी ग्रीसी रहता है, हल्का सा ग्रीसीपन रहता है, बट आपको फील नहीं होगा, बस नेचुरल होल्ड फील होगा कि बाल थोड़ा सा अपने नेचुरल फॉल में नहीं है, मीन्स फ्री फ्लो नहीं रहता है, थोड़ा होल्ड आ जाएगा उस पर, ठीक है. सो ये आप यूज़ करेंगे फॉर शाइनिंग के लिए एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू लिटिल होल्ड एंड शाइनिंग ऑल्सो. सेवन नंबर है हमारे पास हेयर बिल्डर. हेयर बिल्डर हेयर फाइबर आप जानते हैं स्कैंटी स्कैल्प के लिए. देखो हमारे पास बहुत सारी क्लाइंटल ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि ब्राइडल्स भी आती हैं, तो उनके भी कई कई बार आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है. डाइट हम सब चीज़ खाते नहीं हैं, सभी कुछ डाइट प्लान हमारा संतुलित होता नहीं है, बैलेंस होता नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. जेनेटिक भी हो सकती हैं या सम एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, बट क्या होता है कि कई कई पे किसी किसी जगह पे स्कैंटी पार्ट होता है, या कई बार हम इस तरफ पार्टीशन ले रहे हैं तो यहाँ से ये वाला पोर्शन प्रिसीजन एरियाज काफ़ी ब्लैंक होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए सेंटर पार्टीशन ब्रॉड है, छोटे छोटे पैचेस हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है. या ब्राइडल है, उनकी मॉम है, कोई लाइक दूर दराज की आंटीज़ हैं, तो कई सारे मीन्स जो भी हमारे जितने भी सारे क्लाइंटील हैं उन सभी को हैंडल करने के लिए एंड आपकी स्कैंटी स्कैल्प को प्रॉपरली हाइड करने के लिए ये आपका बहुत काम आता है. सो हमने शो किया था आप लोगों को ये वाला हेयर बिल्डर फाइबर हेयर, ये डिक्से कंपनी का है और अदर कंपनी के भी आते हैं. सो दिस इज़ वेरी नाइस. इसमें दो कलर आते हैं, एक तो डार्क ब्राउन है और एक ब्राउन है, तो दोनों आप ले सकते हो. डार्क ब्राउन से बेटर है आप ब्राउन ले लो, बट अगर ब्राउन नहीं मिल रहा है तो डार्क ब्राउन के लिए भी जा सकते हो, वो भी आपका ऑलमोस्ट काम करेगा. एंड इसी में हमने एक और स्प्रे दिखाया था, ये वाला मैजिक स्प्रे 8 नंबर, ये आपका मैजिक स्प्रे है. अब ये मैजिक स्प्रे क्या है, ये बेसिकली आपका ग्रे हेयर की कवरेज के लिए है. अब जैसे बहुत सारी क्लाइंटल, आप फ्रीलांसर हो चाहे इन सैलून में भी आप काम कर रहे हो, तो कई बार होता ना कि क्लाइंट के पास में टचअप का समय नहीं था, टाइम नहीं था उनके पास में, या कंटिन्यूसली वो बिजी हैं, तो ये स्प्रे आपके पास में होना चाहिए. बेशक आप इसके चार्जेबल अमाउंट रखो आप कि इतना आपको चार्ज रहेगा विद द हेयर स्टाइलिंग, क्योंकि एक छोटा सा इसकी क्वान्टिटी भी 75 ml है एंड ये आपके ग्रे हेयर को कवरेज करेगा. हाँ जैसे, तो उस टाइम पे समझ लो कि क्लाइंट के लिए बहुत इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है क्लाइंट्स की, या बहुत उसका अपना फैमिली फंक्शन हो सकता है, बट टाइम नहीं मिला, बट ग्रे हेयर लेके थोड़ी फंक्शन में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपका ये हेयर स्प्रे कम समय में आपकी हेयर स्टाइलिंग, वो डे भी निकल जाएगा, उनका टाइम भी निकल जाएगा. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इमरजेंसी यूजर्स पे काम करने के लिए, ग्रे हेयर को कवरेज करेगा. सो दिस विल कवर योर ग्रे हेयर, सो फॉर द इमरजेंसी टाइम डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस वन फॉर द ग्रे हेयर कवरेज, ठीक है. मैजिक टच लॉरियल का ब्रांड है. 9 नंबर है हमारा लिक्विड स्ट्रॉन्ग स्प्रे. अच्छा, कोई सी भी स्टाइलिंग आप बना रहे हो, कंप्लीट बना लिया आप लोगों ने, स्टाइलिंग कर ली है, अब उसको फिक्स करना है, तो कोई सा भी लिक्विड हेयर स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो. हमने 2 हेयर स्प्रे बताए थे आपको, एक तो ये बताया था आपको कैरिंग का, बहुत स्ट्रॉन्ग 7 और 8 लेवल का इसका जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड पावर है एंड काफ़ी अच्छा ये स्प्रे है, बहुत ग्रिपी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. डेफिनेटली ऐसे फिंगर करोगे ना चिपक ही जाएगा फिंगर. एंड एक ये हमने बताया था आपको कियोन ब्रांड का, स्टाइल फिक्स के नाम से आता है, दिस इज़ आल्सो लिक्विड हेयर स्प्रे. ये फुल लिक्विड है अंदर, ये गैस फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड ये बहुत स्ट्रांग होते हैं ग्रिप फिक्स करने के लिए, ठीक है. डेफिनेटली यू कैन यूज़ फॉर द फिक्सिंग पर्पज़ इन द एंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग. एंड लास्ट है हमारे पास एक लाइट होल्ड हेयर स्प्रे आपके पास में होना चाहिए. जो भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनका शुरुआत है, डेफिनेटली जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोई सा भी एक लाइट होल्ड, तो मैंने आप लोगों को बेस्ट बोला था ये आप यूज़ कर सकते हो, जीरो ग्रेविटी सबिशन ब्रांड का, डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस वन. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका ऑलमोस्ट इनविजिबल होल्ड है, कई बार इसको रिशेपेबल आप कर सकते हैं, लगाओ हटाओ, हेयर में नेचुरलिटी मेंटेन रहती है. पर जैसे आप शुरुआत में यूज़ कर रहे हो ना, एक बारी में कोई पैटर्न नहीं बनता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में एक बार यूज़ करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोडक्ट. ये आपका फेवरेट बन जाएगा किसी भी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए. उसके बाद में आप बट इसके बाद में आपको होल्ड स्प्रे ज़रूर करना है, 5-6 नंबर का, या फिक्सिंग स्प्रे आपको ज़रूर करना है कोई सा भी, या टाफ्ट का भी इसके बाद इसमें मार दो,
जब आपने पैटर्न बना दिया, ये आपका क्रिएशन के टाइम पे, पैटर्न को बनाने के टाइम पे हेल्प करेगा, लाइट होल्ड है एंड नेचुरल ड्राई इफेक्ट देगा। ऐसे नहीं कि स्टिकी कर रहा है, ऑयली कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल ड्राई इफेक्ट पे प्ले करेगा, होल्ड भी देगा, दो नंबर जैसा इसका होल्ड लगता है, जबकि इसका होल्ड कुछ नहीं है, है ना, जीरो ग्रेविटी स्पेशल। ठीक है, चलिए यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपके पास में कम से कम ये सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, सिरम, शाइनिंग फ्रिज कंट्रोल के लिए, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, ये भी आपके पास में होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, मूव्स फॉर द वॉल्यूम एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, एंटी फ्रिज प्रोडक्ट आपके पास में फ्रिज कंट्रोल के लिए होना चाहिए, एंटी फ्रिज एंड सिरम। सीरम शाइनिंग भी देगा, फ्रिज भी कंट्रोल करेगा, बट बहुत ज़्यादा फ्रिज कंट्रोल नहीं करता, इसलिए एंटी फ्रिज प्रोडक्ट अलग से बने हैं। इनसे आपकी फ्रिजनेस काफ़ी कंट्रोल होती है एंड थोड़ा सा होल्ड पावर भी आपको मिलता है। तो एंटी फ्रिज प्रोडक्ट का जो परफॉर्म है वो ज़्यादा बेटर है सीरम से, दोनों के काम अलग अलग हैं। एंड होल्ड स्प्रे, फिफ्थ नंबर होल्ड स्प्रे है हमारा फिक्स करने के लिए, स्टाइलिंग को बनाते समय फिक्स करने के लिए उसको, पैटर्न को, शाइन स्प्रे शाइनिंग के लिए एंड हल्का सा ये आपको होल्ड भी देता है। एंड हेयर बिल्डर फाइबर, स्कैंटी स्कैल्प जैसे छोटे छोटे गंजेपन को छुपाने के लिए एंड स्कैंटी स्कैल्प को कवर करने के लिए पैचेस को, तो ये आपके पास में होना चाहिए। देखो ये आपके पास में मस्ट है और ये यूज़ होते होते हैं, पता नहीं है कोई क्लाइंट कब आपको बोल देगा ये प्रोडक्ट के लिए कि मुझे तो ऐसा चाहिए और आपके पास नहीं होगा, तो अच्छी बात नहीं है, बेइज्जती नहीं करानी है। ठीक है, चलिए एंड ठीक है, उसके बाद है हमारा मैजिक स्प्रे, मैजिक रिटच। ये मैजिक रिटच आपका इमरजेंसी टाइम पे काम आएगा, इन सैलून में काफ़ी काम आता है, इन्फ्लुएंसर में हो आप तो डेफिनेटली आपको रखना चाहिए हाँ आपकी क्लाइंटेल के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है जब आप फ्रीलांसिंग पे जा रहे हो तो ये होता है। तो ये आपके पास में रख लो, इनको चार्जेबल रखो अमाउंट को, डेफिनेटली वो खुशी खुशी पे करेंगे क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट आपके पास में सॉल्यूशन है ना, तो आपको रखना चाहिए, यू आर अ हेयर स्पेशलिस्ट। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे, स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए कोई सा भी 7-8 नंबर का जो हमने बताए वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके सिटी में जो भी अच्छा स्प्रे है लिक्विड काइंड ऑफ फिक्सिंग के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, लाइट होल्ड स्प्रे। एंड लास्ट है हमारा लाइट होल्ड स्प्रे, लाइट होल्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो पैटर्न को बनाने के लिए, जीरो ग्रेविटी। सो ओके दोस्तों, ये थे हमारे प्रोडक्ट जो आपके पास में कम से कम कंपलसरी होने चाहिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्टअप में। ये प्रोडक्ट कभी भी क्लाइंट डिमांड कर सकता है, आपकी हेयर स्टाइलिंग में यूज़फुल रहता है और एंड ज़्यादातर रिपीटिशन में रहता है, मीन्स हर बार यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं, ये ज़्यादातर यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके रिपीटिशन में रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं। सो ये प्रोडक्ट हैं जो आपके पास में मस्ट होने चाहिए। सो ये था हमारा आज का न्यू सीरीज का लेसन 5। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट नॉलेज, जो भी हमारा 5 दिन का ये पूरा एजुकेशन था अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर नहीं डाउट हुए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या हम लाइव सेशन कर सकते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। अगर आप कहते हैं तो ज़रूर वी विल ट्राई डेफिनेटली कि हम थोड़ा सा लाइव आके किसी दिन कर लेंगे, लाइव आ जाएंगे एंड आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर का भी देख लेंगे, 30 मिनट डेफिनेटली वेलकम ऑन यूट्यूब अगर आप कहते हैं तो। तो कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा ज़रूर कि आया जाए या नहीं आया जाए, तो डेफिनेटली वेलकम एंड विल मेक द शेड्यूल ऑल्सो फॉर द लाइव सेशन। एंड आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए टूल्स नॉलेज कि आप हेयर स्टाइलिंग के लिए कौन कौन से आपको टूल्स की नीड होती है, कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए। देखो हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं बट डिटेल्ड बना रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। आगे आगे जब हमारा स्टाइलिंग का स्टार्टअप हो जाएगा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, तब तो वर्किंग मोड स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोगों ने रिप्लीकेट करके आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो भेजनी है आप लोगों ने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड दीजिएगा, मज़ा आएगा काम करने में, डेफिनेटली आप लोग भी सीखोगे और मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, रिस्पॉन्ड मिलता है ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली विल शेयर इन आर स्टोरी ऑल्सो, अगर आपका काम अच्छा होगा, आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो विल शेयर ऑल्सो डेफिनेटली। ठीक है, सो सबको मिलजुल के काम करना है डेफिनेटली, वीडियो अच्छा लगा हो तो बोलने की जरूरत नहीं है, लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है, बता दो जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स एंड ऑल हैं। सो ओके दोस्तों, और हाँ
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो वहाँ पे डीएम कर सकते होते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल, जो घंटी होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में टूल्स नॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में। अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।